कितना प्यारा बच्चा है, छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हूँ और मेरे साथ है मेरी भांजी और हमारे साथ है चिंटू। चिंटू माशाल्लाह है, देखो कितना प्यारा बच्चा है। ओ बिल्ली का इधर आजा, आई का ओ ओ देखो कितना प्यारा बच्चा है। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैंने पिछली बार बनाई थी, मैंने लिखा था कैट मर्डरर, बिल्लियों को मारे दे रहे हैं। तो चिंटू 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 सबर करो, ये डर रहा है थोड़ा। तो ये हमारा देखो कितना प्यारा चिंटू है, ये नाखून मार देगा, ये नाखून मार रहा है, इसको छोड़ दे। अच्छा एक मिनट एक मिनट, देखो तो कहने का मकसद ये है, कितनी मासूम बिल्लियां, पहले भी मैंने बताया, आखिर इन्होंने लोगों को क्या बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है, क्यों इनको मार रहे हैं। अभी भी हमारा एक इतना प्यारा शेर जैसा बिल्लू था, उसको मार दिया, वो नजर ही नहीं आ रहा। ये देखो ये डर रहा है, कितना प्यारा है। अच्छा इसके साथ मैं ना हमारे साथ एक और है, मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये शेर, करीब लाओ थोड़ा, ये देखो मारते नहीं है, ये मारते नहीं, कितने प्यार से ये वाले, कितना प्यार, देखो कैसे करा रहा है प्यार, ये कितना प्यार है, देखो इसको, ये देखो इसके, ये देखो मार ही नहीं रहा, ये देखो इसके मैं, इसके मैं मुंह पे हाथ फेर रहा हूँ, नहीं मार रहा। मासूम से परिंदे, हमारे नबी का पसंदीदा परिंदा है हजरत अबू हुरैरा, उनको ये पसंद था जानवर, ये किसी को मारता थोड़ी है। ये आखिर लोग क्यों बिगाड़ रहे हैं। अगर उस दिन भी मैंने देखा है रोड पे, इतनी बुरी तरह धुतकार रहे बिल्ली को, भाई तुम्हारे क्या जा रहा है, तुम्हारे बाप का है दुनिया, अल्लाह ताला ने इनके लिए ना इन बेजान जानवरों के लिए भी बनाई है दुनिया, उनको ऐसी बुरी तरह लाश से मार के फेंका। मैंने, मुझे गुस्सा आया, मैंने तो उसको ऐसी बातें सुनाई, मैंने बोला क्या कर रहे हो, बोला तेरा क्या जा रहा, ले जा घर पे, मैंने बोला मेरा बच्चा ले, मैं तो ले जाऊँ। वो बिल्ली का बच्चा था, छोटा सा था, इसकी तरह इधर आओ, बिल्ली का बच्चा था, भाग गया, तो उसको लात मार के भगाया। तो मैंने बोला खुदा का खौफ कर, लेकिन अल्लाह पाक फिर दिखा भी देता है। इतनी बिल्लियाँ, 14-15 बिल्लियाँ हमारी बिल्डिंग में मार चुके हैं जहर खिला खिला के। भाई अगर तुम्हारे घर का राशन थोड़ी मांग रहे हैं, सही बोल रहे हैं, घर का राशन थोड़ी मांग रहे हैं, तो अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो भाई इनको मारो भी नहीं। और जो ये चाहता है तो अगर आपके पास आते हैं तो इनको छोटा सा एक प्लेट में या बाउल में थोड़ा सा दूध या गोश्त वोश डाल दो, बस इतना। ये लोग चाहते हैं, ये अपने नसीब का खाते, तुम्हारा छीन के नहीं खा रहे। अगर नहीं दे सकते तो भाई मारो भी नहीं। आप क्या बोलोगी? ये देखो ये कितना प्यारा, देखो कैसा सो रहा है, ये शेर, शेरू देखो इधर आओ, ये देखो नहीं, ये देखो ये कितना प्यारा है, कितना मासूम था, ये किसी का क्या बिगाड़ है, देखो इनके मुंह पे, ये देखो ये किसी का क्या बिगाड़, कोई बिगाड़ थोड़ी सकता है। तो भाई है खुदा का खौफ करो, इनको मारना छोड़ो, जहाँ देखो इनको दूध डाल दिया करो या थोड़ा गोश्त डाल दिया करो, तुम अपने उससे नहीं खिला रहे, वो अपने नसीब का खा रहे, समझे। मैं तो फिर कहूँगा जो बिल्लियों पर जुल्म करता है, अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। ये देखो लग नहीं रहा कितना प्यारा है, नरम सी क्या है, इधर दिखाओ, इसकी नहीं हो रहा कोई, नरम सी खा ले, इधर फोकस कर लो, नरम सी खा ले, जी। देखो कितना प्यारा सा गुड्डा सा है, करीब सी आके दिखाओ उसकी, ये देखो। तो कहने का मकसद ये भाई, इनको प्यार दो, जा देखो वहीं इनको है ना दूध डाल दिया करो, थोड़ा सा गोश्त डाल दिया करो, या कई से छीछड़े वगैरह वो होते हैं गोश्त वालों से लेके, मुर्गी वालों से लेके डाल दिया करो, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और इनको मारो नहीं, खुदा का खौफ करो, और ना वो कुत्तों को मारा करो, जगह जगह तुम लोग कुत्तों को पत्थर मारते हो, उसका किसी ने कान काट दिया, किसी ने कुछ काट दिया, और जो ये जुल्म करता है अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो बस यही मेरा ये वीडियो का मकसद था। अरीबा आप कुछ मैसेज दोगी, बताओ, बोलो इनको नहीं मारा करो, इनको नहीं मारा करो, अल्लाह ताला बना देगा। तो बस इसी के साथ मैं बस इस व्लॉग का एंड करूँगा, ठीक है भाई। अगर आपको समझ आए तो भाई ऐसा नहीं करना,